बच्चों, हम आपको वायु अशुद्धता महत्व एवं संवातन के बारे में पहले बता चुके हैं। आज हम आपको संवातन के बारे में बताएंगे। संवातन क्या होता है? बच्चों, आप जैसे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति की श्वास क्रिया से कमरे की वायु प्रदूषित हो जाती है। जैसे बच्चों, हम इस कमरे में हैं और आप सबको पढ़ा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, आप सब सांस ले रहे हैं, इससे क्या होता है, वायु क्या होता है, प्रदूषित हो जाती है। और किस तरह हमें शुद्ध वायु मिलता है, जैसे एक जंगला खिड़की होता है ना, हर एक कमरे में क्यों जंगला खिड़की खुला है, क्योंकि एक तरफ से वायु आता और एक तरफ से शुद्ध वायु आता और एक तरफ से अशुद्ध वायु निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, संवातन। जैसे इसको अशुद्ध करने के पूर्व स्थिति में लाने के लिए बाहर से शुद्ध वायु, ताज़ा वायु आना अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में पेड़ पौधे की, जैसे बच्चों अभी जंगला खिड़की दरवाजे ना रहे तो क्या अशुद्ध वायु आ पाएगा? शुद्ध वायु आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो अशुद्ध वायु हम कमरे से निकल नहीं पाएगा। यानी इसी नाते जंगले बनाए जाते हैं, एक तरफ से शुद्ध वायु आए और एक तरफ से शुद्ध वायु निकल जाए। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग एवं ऑक्सीजन को छोड़ना, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बच्चों, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेने के लिए शुद्ध वायु जब हमारे कमरे में आएगा तभी ना हम लेंगे। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, घटती जाती है। जब वायु आता है, प्रकाश आता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है बच्चों, कम होता जाता है। अब देखिए, कमरे की वायु को शीघ्र ही श्वसन के में आयोग बना देता है। इस दूषित वायु को बाहर वातावरण में जाना ही चाहिए और बाहर से, और जो कमरे में अशुद्ध वायु रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो जब तक शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश नहीं करेगा तब तक क्या होता है, अशुद्ध वायु कमरे में रहेगा, तो हमको दिक्कत, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक बाहर नहीं लेगा, अशुद्ध वायु, ठंडी हवा और शुद्ध वायु हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमको सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। अब देखिए बच्चों, ठंडी नमी वाली कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली वायु को इसका स्थान लेना चाहिए। किसी स्थान पर वायु के आने जाने विसर्जित होने की क्रिया को ही संवातन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जब शुद्ध वायु आता है और अशुद्ध वायु बाहर निकल जाता है, इस क्रिया को हम संवातन कहते, यानी विसर्जित हो जाता है, जो अशुद्ध वायु वो विसर्जित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम संवातन कहते हैं। अब देखिए, संवातन का सिद्धांत, वायु का ताप बढ़ने पर हल्की हो जाती है, अतः कमरे की वायु अशुद्ध होने पर व्यक्तियों की श्वसन क्रिया के कारण अशुद्धियाँ व्याप्त होने के साथ साथ यह गर्म भी हो जाती है, सतत छत की ओर ऊपर उठती है, पीछे की ठंडी तथा वायु अशुद्ध वायु कमरे में नीचे के स्थानों में रहती है, अतः कमरे में संवातन के लिए आवश्यक उपयुक्त सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जो अशुद्ध वायु रहता है वो जो होता है वो कमरे को चारों तरफ से क्या होता है, गर्म किया रहता है और घेरा रहता है, और जो शुद्ध वायु होता है वो कमरे में नमी किया रहता है, ठंडा रहता है और कमरे का वातावरण शुद्ध किया रहता है। उसे कम संवातन का सिद्धांत, जैसे एक तरफ से अशुद्ध वायु आना और एक तरफ से अशुद्ध वायु को निकालना ही संवातन कहते हैं। संवातन के क्या क्या साधन हैं? पहला साधन है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक ने स्वयं ही संवातन की व्यवस्था की। संवातन में सहायक कुछ प्राकृतिक साधनों के कार्य इस प्रकार हम बताते हैं। जैसे पहला हुआ, गैस के विसरण का गुण संवातन में स्वयं ही सहायक होता है। जब किसी स्थान पर कोई गैस आती है और स्वयं ही विभिन्न दिशाओं में फैलने लगती है, इस प्रकार गैसों के उस स्थान के हटने के स्थान को तथा अन्य वायु जहाँ आ जाती है उस मंद गति से विसर्जन हो जाती है उसे, और तथा शुद्ध वायु आ जाती है उसे क्या कहते हैं, संवातन कहते हैं। और तेज गति से चलने वाली हवाएं संवातन को दूसरा प्राकृतिक साधन, जो तेज हवा चलती है ना वो भी संवातन का दूसरा प्राकृतिक साधन। जैसे विभिन्न प्राकृतिक कारणों से प्रभावित होकर वायुमंडल में होकर अनेक तेज गति से हवाएं चलती है और वायु को बिलोड कर देती हैं, इसे भी संवातन कहते हैं। जो तेज वायु चलती हैं, अशुद्ध वायु को क्या करती हैं, वो कमरे से बाहर निकाल देती हैं, उसे भी संवातन कहते हैं। वातावरण में होने वाले तापमान
के अंदर में भी समातन की क्रिया को बल मिलता है। यह बल विसरण की गति को प्रभावित करता है। इस प्रकार वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। खाली स्थान को भरने के लिए अन्य वायु से वायुमंडल बहकर आ जाती है और समातन होता रहता है। जो गर्म वायु होती है क्या होती है, ऊपर हो जाती है और जो ठंडी वायु होती है वो नीचे हो जाती है, और जो दूषित वायु होती है वो दरवाजे से खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाती है और शुद्ध वायु भर जाती है। अब कृत्रिम, ये तो प्राकृतिक साधन था, अब कृत्रिम साधन में क्या क्या आता है। प्राकृतिक समातन उत्तम एवं स्वाभाविक होता है। प्राकृतिक साधन कृत्रिम साधन उत्तम एवं स्वाभाविक होता है, अतः इसका लाभ उठने के लिए मकान तथा कार्य करने के स्थान आदि की खिड़कियां, दरवाजे तथा चिमनियां आदि बनाई जाती है। पहले ज़माने में जब बच्चों खाना बनता था तो क्या बनता था, चिमनी बनता था, जो घर से विषैले धुएँ हैं, चूल्हे का जो धुआँ वो बाहर निकल जाए। बड़े बड़े रोशनदान बनते थे कि जो घर में जो कमरे में विषैले वायु है क्या हो, बाहर निकल जाए। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर उठकर रोशनदान चिमनी के माध्यम से, और गर्म वायु जो उठकर रोशनदान और चिमनी के माध्यम से क्या होता था, बाहर निकल जाता था। तथा यह व्यवस्था भी संभव नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए सिनेमा घरों, अस्पतालों या अत्यधिक ठंडे स्थानों में खिड़की तथा दरवाजे निचले खुले रखे जाते हैं। ऐसे स्थानों पर प्राकृतिक समातन के से लाभ हॉस्पिटल हुआ, सिनेमा घर हुआ, इन सब स्थानों पे ऊपर के बजाय नीचे खिड़की, इस नाते खिड़की बनाया जाता है कि नीचे प्राकृतिक हवा आए और उसका क्या होता है, शुद्ध वायु क्या है, बाहर निकलता चला जाए, और जिससे प्राकृतिक समातन का हमें लाभ मिले। इसके अभाव में कृत्रिम समातन के कुछ अन्य साधन को अपनाया जाता है, जिसमें कुछ स्थान निम्नलिखित। वायु फेंकने वाले पंखा, जो जाट फैन होता है बच्चों ना, घर से जो गर्मी होती है, कमरे में जो गर्मी होती है, जाट फैन क्या होता है, उसको बाहर फेंक देता है, और कमरे में जो अशुद्ध वायु रहता है उसको खींच के बाहर करता है और कमरे को शुद्ध करता है। कमरे के अंदर दूषित वायु को बाहर फेंक देता है, अंदर के स्थान को खाली हो जाता है, से भरने के लिए दूसरे स्थान, और जिसको भरने के लिए दूसरे स्थान को बनाया जाता है, जहाँ स्वयं ही शुद्ध वायु आके भीतर हो जाता है। दूसरा, कमरे की दूषित वायु को बाहर तथा किसी अन्य साधन में लाई जाने वाली अशुद्ध वायु के कारण कमरे में बाहर ढकेला दिया जाता है। उदाहरण के लिए कूलर आदि के साधन, जो कूलर आदि है ना, बाहर से कूलर लगाया जाता है, जो अशुद्ध वायु रहता है वो बाहर कूलर के हवा से, पंखे के माध्यम से क्या होता है, उसको बाहर ढकेल दिया जाता है, अशुद्ध वायु कमरे में भर जाता है। तीसरा, कमरे की वायु को पाइपों में गर्म वाष्प आदि करके गर्म कर दिया जाता है, गर्म होकर हल्की वायु रोशनदानों के बाहर से निकाल दिया, अशुद्ध वायु दरवाजे के माध्यम से क्या होती है, अंदर आ जाती है। उचित समातन व्यवस्था के लिए ध्यान देने योग्य बातें। पहला, शुद्ध वायु कमरे में सरलता से प्रवेश करे। दूसरा, दूषित वायु कमरे से बाहर जाए। मतलब हमको ऐसे जंगले और खिड़की की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अशुद्ध वायु आसानी से बाहर निकल जाए, अशुद्ध वायु आसानी से कमरे में आ जाए। कमरे की वायु निर्धारित तापमान पर बनी रहे, जो कमरे की वायु है वो निश्चित तापमान पर बनी रहे। समातन की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे विभिन्न गैसों, जीवाणु, धूल, केकड़ आदि मुक्त रहे, और कमरे का डिज़ाइन ऐसा बनना चाहिए जिसमें शुद्ध वायु आ जाए और जिसमें धूल, केकड़ आदि गैस, जितने जीवाणु गैसे हों, वो सही रूप से बाहर निकल जाए। समातन के प्रकार, बाहरी समातन, आवासीय क्षेत्रों में मकानों से बाहर के समातन में होने वाली समातन व्यवस्था को बाहरी समातन के रूप में जाना जाता है। पहला, घर दूर दूर हो, इसके दूसरे के भी जो घर मकान बनवाना चाहिए उसमें थोड़ी दूरी दूर दूर पे बनाना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वायु जो है घर के अंदर प्रवेश कर पाए, और घर सटा रहेगा तो वायु जो है प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा, सभी घर समान ऊंचाई पे होना चाहिए, एक बराबर, ये नहीं एक घर बहुत छोटा तो एक घर बहुत बड़ा है, जिस ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, गली में एकत्र कूड़ा करकट है उसको हटा देना चाहिए, वो सब रहेगा तो वो सड़ेगा गलेगा, वो हवा के माध्यम से घर में प्रवेश करेगा। चौथा, मकानों से समान दूरी पर पार्क एवं कीड़ा स्थान होना चाहिए, और मकान के कुछ दूरी पर कीड़ा अवस्था यानी खेल कूद का मैदान और या पार्क में व्यवस्था होनी चाहिए।
पांचवा नालियों पर बच्चों को शौच कराए तथा कराए जाए या नालियों से दूषित पानी जमा हो, नालियों पर जो बच्चों को शौच कराते हैं वहाँ नहीं करवाना चाहिए, और जो दूषित पानी वो जम जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे घर में गंदगी फैलाएगा। अब छठवां है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रयोग, जैसे टैनरी, रासायनिक उद्योग, मछली बाजार आदि, आवासीय क्षेत्र, ये सब चीज़ों से, मार्केट से आदि से घर अपना क्या होता है दूर बनवाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे सब्जी मांस वगैरह सड़े गलेगा तो वो जो हवा के माध्यम से घर में प्रवेश करेगा। भीतरी संवातन का संबंध है भी है कूलर एवं सिनेमा घर में संवातन है प्रवाहित होती है, वायु का मानव की त्वचा पर सुखदायी प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब हम लोग कूलर लगा लेते हैं, शुद्ध हवा आता है तो हमको क्या मिलता है, राहत मिलता है कि नहीं मिलता है, लगता है कि हमको शरीर में कितनी राहत मिले, गर्मी नहीं लग रहा, वह वायु निरंतर गतिशील सूक्ष्म होती रहती है, वायु जितना सूक्ष्म होती है उतना ही शीघ्र शरीर के पसीना सूख कर, और जितनी वायु सूक्ष्म होती जाती है उतनी शरीर से पसीना क्या होता है सूखता जाता है और हमको आराम मिलता जाता है। निवास स्थान के न्यूनतम परिमाप, कमरे की लंबाई, प्रत्येक कमरे की लंबाई उतनी होनी चाहिए कि जिसे दो चारपाई मध्य की दूरी 2 फुट हो और चारपाई दीवार तथा सामान से कुछ दूरी, कमरे कितनी लंबाई होनी चाहिए जितनी 2 चारपाई पड़ जाए, और चारपाई भी दोनों चारपाई में 2 फुट की दूरी होनी चाहिए और कमरे से दीवार से चारपाइयाँ सटी नहीं होनी चाहिए। कमरे की चौड़ाई सामान्यतः एक कमरे की चौड़ाई 4 से 5 मीटर होनी चाहिए, जबकि अस्पताल तथा छात्रावास में 8 से 9 मीटर तक चौड़ा होना चाहिए। कमरे की ऊंचाई, यदि व्यक्ति के कमरे की ऊंचाई कम से कम 3 बटे 1/3 अवश्य हो, अस्पताल तथा छात्रावास के कमरों की तिथि 4/5 मीटर तक होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति वायु, प्रत्येक व्यक्ति की 300 से 400 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, इससे 3 से 4 बार दूषित वायु बाहर निकल जाना चाहिए, ताजी वायु का स्थान होना चाहिए। प्राकृतिक संवातन के उपाय बच्चों, मकान में प्राकृतिक संवातन के लिए प्रत्येक कमरे में दरवाजे और खिड़की आमने सामने बनवाई जाए जिससे वायु को शुद्धिकरण होता रहे। प्रत्येक मकान में दरवाजे और खिड़की आमने सामने जिससे एक तरफ से वायु आवे, शुद्ध वायु आवे, एक तरफ से शुद्ध वायु क्या हो निकल जाए। दूसरा, ये कमरे में वायु के प्रवेश के लिए खिड़कियां तथा रोशनदान भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जैसे उचित स्थान पर ऊंचाई पर बनाना चाहिए, जैसे उचित स्थान और की पे बनाना चाहिए जिससे प्राकृतिक हवा सही रूप से आए और सही रूप से जाए। किसी भी मोहल्ले या आसपास के क्षेत्र में अधिक ऊंचे या नीचे मकान हो तो जिसे वायु प्रवेश में व्यवधान ना पड़े। बहुत जगह बहुत से मकान बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, जिससे शुद्ध वायु आने और जाने में व्यवधान पड़ता है, एक लेवल में मकान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त शुद्ध वायु होने के लिए 15 वर्ग मीटर व्यक्ति का स्थान होना चाहिए। रसोई का धुआं निकलने के लिए, बच्चों रसोई घर में धुआं निकलने के लिए चिमनी आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस उसमें जार्ज फैन लगा देना चाहिए, जो मान लीजिए नई चिमनी है, जंगले वगैरह रोशनदान बना जाए से जार्ज फैन लगा देना चाहिए, जिससे उसमें जितने दूषित वायु हैं वो रोशनदान के माध्यम से बाहर निकल जाए या चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाए। परगामी संवातन, इस प्रकार के संवातन अत्यंत प्रभावी एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, अतः कमरे में वायु के प्रवेश से जब जो कमरे में शुद्ध वायु प्रवेश करेगा और शुद्ध वायु निकल जाएगा, इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है लाभकारी होता है, क्योंकि हमें शुद्ध वायु मिलता है जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। ऐसे दरवाजा और खिड़की आमने सामने होने से शुद्ध वायु आता, अशुद्ध वायु क्या होता है बच्चों बाहर निकल जाता है। रोशनदान, कमरे को दूषित वायु रोशनदान से ही निकलती है, और ये कमरे में प्रकार और जो दूषित वायु होता है बच्चों रोशनदान से क्या होता है निकलता है, और वहाँ से क्या होता है शुद्ध प्रकाश आता है जिससे कमरे के लिए सही रहता है। अब चिमनी का कार्य क्या होता है बच्चों, जो किचन में जो हमारे रसोई घर में चूल्हे पे खाना बनता है उसमें धुआं निकलता है, वो धुआं क्या करता है वो बाहर
निकल खींच के बाहर कर देता है, जिससे वो रसोई घर के आता है सही रहता है। कृत्रिम समाथन व्यवस्था के उपाय, अब कृत्रिम समाथन व्यवस्था के क्या क्या उपाय बताइए, बता रहे हैं आपको। निर्वातन पंखा, कमरे या किसी बंद स्थान पर वायु को दूषित एवं अशुद्ध हो सकता है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या रोशनदान के स्थान पर एक जार फैन लगा देना चाहिए। जार फैन लगा देने से जो हमारे किचन में या कमरे में जो दूषित वायु रहता है वो उसको खींच के बाहर निकाल देता है। सामान्य पंखे, छत या मेज पर रखे जाने वाले बिजली के सामान्य पंखे सभी घरों में प्रयोग किए जाते हैं। ये पंखे कमरे की वायु को अधिक गति प्रदान करती है। पसीना, और बच्चों अभी हम लोग को पसीना हो, कमरे में पंखा चलने लगे, क्या होता है, पसीना क्या करता है, सोख लेता है और जो वायु को होता है शुद्ध वायु को कमरे में चारों तरफ फैला देता है। वायु अंदर ही आती शीतल, और वायु अंदर आती है शीतलता प्रदान करती है जिससे हमारा पसीना सूख जाता है। अब देखिए अब पहला है कमरे को दूषित वायु को खींचना। दूषित वायु को वातानुकूल उपकरण के द्वारा पंखे के जैसे पंखे या हुआ वह हुआ एसी हुआ इस सब चीज़ों से क्या होता है, हमें शीतलता मिलती है और हमारे शरीर को क्या मिलता है, राहत मिलता है, जिससे कमरा क्या होता है, टेम्परेचर सही रहता है। वायु को उचित शीतलता नमी आदि प्रदान करने से हुए स्वच्छता बनाए रखना। एक से एक उपकरण मार्केट में आ गए जिससे हमको, जैसे कूलर हुआ, एसी हुआ, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान होती है और हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है सही बना रहता है। शुद्ध एवं शीतल वायु कमरे के अंदर पाइपों द्वारा शुद्ध वायु की गई कमरे में अंदर भेज दी जाती है। इस समातन कृति विधियों को वातानुकूल या अत्यंत आधुनिक उपकरण भी कहते हैं। अत्यंत आधुनिक उपकरण जैसे बड़े बड़े भवनों, प्रयोगशालाओं, सिनेमा घरों तथा प्रकार कारखानों आदि में इन साधनों का जो चिमनी के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से जितनी गर्मी रहती है, जितनी अशुद्ध वायु रहती है उसको क्या किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, जिससे कमरे का या कारखाने का या अस्पताल में शुद्ध वायु रहे और अशुद्ध वायु क्या होता है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। अब देखिए समातन का महत्व, वायु में ऑक्सीजन यानी प्राणदायिनी गैस, हम प्राणदायिनी गैस क्या है बच्चों, हमारे लिए ऑक्सीजन है और इसके रहने से हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। इस गैस इसका मिश्रण बनाती है। निश्चित रूप से मनुष्य के लिए हमें ऑक्सीजन जरूरी है, इसी नाते हमें समातन का जैसे कमरे में रोशनदान, खिड़की आदि बनवाया जाता है जिससे हमारे घर में शुद्ध वायु प्रवेश करे और अशुद्ध वायु बाहर निकल जाए, मनुष्य की श्वसन क्रिया आदि भी प्रभावित ना हो और मनुष्य की श्वसन क्रिया सांस लेने में दिक्कत ना हो और शुद्ध वायु हमें हमेशा निरंतर मिलती रहे। अब बच्चों इसी नाते समातन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट किसी भी आवासी इस प्रकार किसी भी आवासी घर या मकान में या कल कारखानों में, अस्पताल में, सिनेमा घरों में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिससे उन सब जगह शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहे और जो अशुद्ध वायु है सरलता से बाहर निकलता जाए। बच्चों समातन वाला ये अशुद्ध वायु अशुद्धता एवं महत्व एवं समातन चैप्टर कंप्लीट है। कोई चीज़ आप लोग को दिक्कत हो इसके बारे में आप लोग हमसे पूछिएगा।